आरिज का आज रिजल्ट है गाइस, और हम लोग जा रहे हैं आरिज का स्कूल, उसका रिजल्ट लेने के लिए। क्या आरिज है ना, कैसा मार्क्स आएगा? अगर गंदा मार्क्स आया तो आरिज आज मार खाने वाला है, अच्छा आया तो उसको गिफ्ट मिलेगा। क्या आरिज? और आरिज हो चुका है अब रेडी, दिखाओ इधर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग भी सर्वर खान में एक बार फिर सब सभी का स्वागत है। तो गाइज, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसे शेयर भी कर दें। तो आज आरिज का रिजल्ट का दिन है और हम लोग जा रहे हैं, आरिज मैं इसकी मम्मी जा रहे हैं रिजल्ट लेने के लिए आरिज का। चलिए देखते हैं आरिज का रिजल्ट, स्कूल चलते हैं उसके बाद देखते हैं मार्कशीट उसके। चलो 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 चलो, जल्दी 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 जल्दी। आरिज कितना खुश है ना, हैं? चलो तो गाइस, हम लोग आ गए हैं स्कूल से आरिज का मार्कशीट लेकर के। ये डरा हुआ सा था, डरते इसकी हालत ख़राब थी, दादा से डर रहा था ये। मार्कशीट लेकर के आ गया हूँ और इसका जो है मार्कशीट में रैंक आया है 6, थोड़ा सा कम आया है पर ठीक है, पहले से बहुत बेहतर है। मारेंगे बोले बोल, 90 का तुम्हारा 35 कैसे किया है? पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर होगी आरिज। अब तेरा कैमरा क्या ले आता है? तो आरिज का मार्कशीट आप सभी को दिखाते हैं, और ये आरिज का मार्कशीट है। इंग्लिश में 63, मैथ में 77.5, सबसे ज़्यादा किसमें है? मैथ में पढ़ने में तेज है आरिज, हाँ। और उसके बाद उर्दू में 72, दिनियात में 35, हिंदी में 73.5, स्पोकिंग में 50, वाह। परफॉर्मेंस का भी 10% मिला है इसमें आरिज को, और इसका मार्क देख लीजिएगा, 6 रैंक है, 85.67%, गुड है। कहाँ गए थे? ये लो अपना, तुम मार्कशीट रखो आरिज, चलो गुड, और अच्छा पढ़ाई करना। और इनका तो पूछिए मत कीजिए, इसका हमसे मत पूछिए, इसका तो कहने ही नहीं है। इसका पता नहीं, 90% लाए थे जी, इसका पता नहीं क्या आने वाला है। अपना टाइम में 90% लाए थे जी, आम बात है। और ये औरहान भी चाबी दे रहा है बाहर जाने के लिए, इसका भी चेहरा नहीं दिखाना है गाइस। कैसे है? चलो अब तुम ड्रेस वगैरह खोलो, चलो जाओ, गुड बॉय, मेहनत करो और अच्छा। चलिए गाइस, चलता हूँ अब छत के ऊपर मैं, और अपनी बेबो से मिलवाता हूँ आप सभी को। बेबो से मिलवाना, हाँ बेटा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, बैठ बैठो बैठो, बेबो से मिलवाता हूँ आप सभी को। तो चलिए चलते हैं छत के ऊपर। तो गाइस अब हम आ गए हैं छत के ऊपर में, और छत के ऊपर में आ करके आपको बेबो से मिलवाते हैं। ये हमारी बेबो, थक जाता हूँ गाइस। चौथा तला चढ़ना पड़ता है जानवरों परिंदों के लिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ है हमारी बेबो और आवाज भी लगा रही है बेबो। ये उसका दीदार करवाता हूँ आपको। ये खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, चलिए इसे निकालता हूँ बाहर और थोड़ी सी इसकी तफरी करवाता हूँ, दौड़ धूप। चलो आ जाओ बाहर, आ जाओ फटा फट, फटा फट, आ जाओ जल्दी, कम ऑन। चलो अब बेबो आ, दौड़ दौड़ दौड़। आ जाओ बेटा बेबो, आजा आजा आजा, चलो
पूरा सारा चीज अभी कर लेगी, उसके बाद ही निकलेगी बाहर। खुजली कर लेना है, पेशाब कर लेना है, जो करना है सारा चीज कर लो, उसके बाद ही आना बाहर। और ये लोग भी, हमारी बंटी बबली भी खड़ी हो गई है। ये बंटी क्या, बंटी चलो बेबो आ बाहर 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 चलो। देखना गाइस अभी ये शाबाश, आ जाओ 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 जाओ। माशाल्लाह गाइस, माशाल्लाह 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 के कमेंट जरूर करेंगे गाइस। अब बेबो हमारी जो है तफरी करने में आ गई है। अभी देखना मैं दौड़ूंगा तो वो भी दौड़ेगी। चलो खुजली कर रही है, खुजली कर रही है, खुजली 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 रे। ये बेबो बेबो आ बेबो आ, चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ 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 जाओ। माशाल्लाह गाइस, आंखें इसकी पूरी वाइट वाइट है। अभी बच्ची है इसलिए हो सकता है किसकी आंखें वाइट हो। और दांत भी है इसकी, तो देखे तो जरा दांत। चलो आ जाओ आ जाओ। देखे 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 देखे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये तो देखा सभी ने दोस्तों, ये है बेबो हमारी। अभी इसका दिन हुआ है, आज है इसका 8वां दिन होने वाला है। इस दुनिया में आए हुए इसे 8 रोज हुए हैं। और ये अभी जो है देख सकते हैं कि किस तरह से उछल कूद कर रही है। थोड़ी सी और बड़ी होगी तो थोड़ी सी परेशानी हम लोगों को होगी, क्योंकि अभी तो टोकरी में रखा जा रहा है। इसके बाद इसे तो टोकरी में भी नहीं रखा जाएगा, बांध के रखे रखना पड़ेगा। ये आओ और आइए अपने कबूतरों की तरफ चलते हैं, पिजन से आप सभी को मिलवाते हैं। ये हमारा सारा पिजन जो है आराम के मोड में भी आया हुआ है। ये देखें सभी जो है सुस्ता रहे हैं। यहाँ पे धूप भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। और ये हमारा किंग और क्वीन का बच्चा है माशाल्लाह। इसमें से जैकोबिन का बच्चा मैंने नीचे ले करके चला गया हूँ दोस्तों। हम उसे नीचे ले करके चले गए हैं, वो इसलिए कि मम्मी पापा उसके जो है उसे फीड नहीं करवा रहे थे, जिसके कारण वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था। अभी काफ़ी बेहतर है। और इसका एक बच्चा था वो तो मर ही गया था फीड नहीं खाने की वजह से। और दूसरी चीज़, ये हमारी मुर्गी जो थी वो मुर्गी भी मर गई है। उसे कुछ बीमारी हो गई थी जिसके वजह से वो मर गई थी। मुर्गा हमारा अंदर है, उसकी याद में शोक मना रहा है अभी। ये जो है उसकी याद में शोक बना रहा है हमारा मुर्गा। और मुझे बोल रहा कि अरे जाओ ना यार, चलो बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसे बांध करके रखा गया है गाइस। उसका रीज़न ये है, ये कबूतरों को बच्चों को काफ़ी जो है परेशान कर रहा था, दौड़ा रहा था सभी को, जिसकी वजह से इसे बांध दिया। अभी इसे पिछले वीडियो में भी आपको शायद बताया था मैंने, तो इसे हमने बांध दिया है। और एक बच्चा आपका इधर है, और आइए अब आपको अपने पायरेट से मिलवाता हूँ। ये देखें लैला मजनू की कहानी है पुरानी। तो ये लैला मजनू बन गए हैं गाइस, इसलिए मैंने ये गाना गा दिया। और हमारा लकी द रेसर, ये है हमारा लकी द रेसर। सरमो सरमो क्या बोलते हैं उसे,
शर्माने वाला बंदा है, ये शर्मा करके तुरंत जो है यहाँ से तो चला जाता है। ये आया ये बोल रहा मुझे ले लो, वो नहीं आ रहा है तो मैं ही ले लेता हूँ। तो देखा गया, अब अपने कॉकटेल की तरफ आते हैं। ये हमारा कॉकटेल, वो डब्बे के अंदर जाने की तैयारी में है। अंडे वगैरह दिए हुए हैं उसमें। और वाइट वाला कहाँ है? वाइट वाला सिटी में जा रहा है। ओए 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 ओए, ये देखिए ये भाग गया। तो ये था हमारा छत का अपडेट गाइस, सभी ठीक है। और ये बेबो को देखिए कहाँ घुसी हुई है अंदर में, गर्मी से बचने के लिए। अब चलते हैं नीचे, और नीचे का आपको नज़ारा दिखाते हैं, बच्चे क्या कर रहे नहीं कर रहे। तो बच्चे आ गए हैं स्कूल से, शादी और लिफा, और आते के साथ ही ये लोग जो है मोबाइल में लग गई है। अब बताइए, इन लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है, ये लोग मोबाइल देख रही है पढ़ाई करने का छोड़ करके। क्या शादी आज किस चीज़ का एग्ज़ाम था तुम लोगों का? रजिस्ट्री SST। अच्छा, SST का एग्ज़ाम था इन लोगों का, मुझे सुना दिया रजिस्ट्री, जमीन की रजिस्ट्री, दोनों का दोनों का जो है SST का ही एग्ज़ाम था। और सुबह 6 बजे ही लोग जो है स्कूल के लिए जाती है, एक एक दिन गैप कर करके इन लोगों का एग्ज़ाम है। फाइनल कब है, मैंने लास्ट कब है? 12 तारीख को इन लोगों का लास्ट है, मतलब रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चलिए गाइस, अब जो है आपको अपने पैरों से मिलवा दो। मम्मा आ गया, कौन है मम्मा? ये है हमारा जैक ओबी जी। जैक बीजी इधर आ जाओ, घूम के बैठो। तो दोस्तों शाम हो चुकी है और सभी परिंदों को और जानवरों को अंदर बंद कर दिया गया है। बेबो को भी दूध पिला दिया गया है, बेबो अंदर में बंद है। और हमारा बंटी और बबली ये लोग अपने खाना खाने में लगे हुए, बजाते खाना खा चुके हैं ये लोग। और हमारा बंटी जो है काफ़ी बदमाश, एकदम बदमाशी करने लगा है, क्या क्या ही कहूँ। और रात भी हो चुकी है, आपको दिखाता हूँ। देखें गाइस, रात हो चुकी है, एकदम अंधेरा हो गया है, आज लेट हो गया इन लोगों को दाना वगैरह देने में, खाना पानी देने में। क्योंकि उसका कारण ये रहा कि मैं चला गया था कुछ काम से, अभी आया हूँ तो इन लोगों को दाना वगैरह दिया हूँ। और देख सकते हैं मौसम भी काफ़ी प्यारा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, गर्मी का सीज़न आ गया। शाम में जो है इस तरह का मौसम बनाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या बात ही। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दिए मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसे शेयर भी कर दें। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अल्लाह हाफिज़।